रखूं जो हाँ सुन तो जो गलत से गलत मेरी बात सुनो। जैसे वहाँ पे अगर एक मिनट वहाँ पे पंचायत में अगर बात चलती है कि साधु जी को गांव से भगाया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे इस बात के बारे में? तो सिर्फ मैं यही बोलूंगा कर के खारी है और इज्जत अनुसार है नहीं करी। किसी का फर्क लग गया तो आओ और ना लगे तो ना आओ। कर रहे हैं पागल हैं वह। यो मंदिर किसी का कोई सरकारी मंदिर नहीं है भाई, यो मारा मंदिर है या साधु भी है भाई, ना किसी बच्चे में लिंदी ना दिंदी कोई रोई जाऊ क्यों भाई जा है। इस भाई का राम लग गया दो बिने दौलिए दारू छोड़ा नहीं इसने, दिन रात तड़के उठ दिए कुड़ा दारू तो कराया करता यो भाई। अरे भी इसने दो बिने लिए छोड़ी दारू और नाक मदम दे रखा पन्ना का नाक मदम दे रखा था पूरा का इसने। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार मोखरा गांव में काफ़ी समय से आप देख रहे हैं यहां पर जिस प्रकार काफ़ी संख्या में आज लोग एकजुट हुए हैं और पंचायत से पहले जिस प्रकार आप मंदिर के आसपास का चेयर और का एक बार व्यू ले लीजिए, यहां पर काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और सबसे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं और क्या माहौल यहाँ का है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है? हाँ जी, राजकुमार है। तो जी, जैसे जो पंचायत की जा रही है आप साधु जी के समर्थन में है, साधु जी के विपक्ष? साधु जी खूब पब्लिक आओ खूब देता है भाई, ठीक है। तो जैसे मुख्य क्या कारण है काफी लोग इनके खिलाफ में खिलाफ है रही जाएंगे, खिलाफ के लक्षण में रहे हैं, कोई सुपड़ा पार्टी को कांग्रेस से कोई कह दे। कल हमने साधु जी का एक इंटरव्यू भी लिया था, उसमें वे बोल रही हैं कि मेरे पर हमला करने की भी कोशिश की गई काफी कुछ लोगों के द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कपूर चल जिस पर हमला हो नहीं गया, हमारा जगह वह है भाई आओ बाहर गए सौ दूसरे कोच के खूब उनका राम है कोई रुई जाओ क्यों भाई। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है भाई जी? बमा बिरना है। तो जैसे आज जो पंचायत है आप पंचायत में अपना क्या पक्ष रखेंगे और क्या बोलेंगे? भाई पंचायत में हमारा कोई पक्ष नहीं, मारी पंचायत नहीं, मारा तो उन कोई लेखा जोखा नहीं। जैसे पंचायत होती है तो पंचायत में सभी लोगों को बुलाया जाता, तो किसी प्रकार का कोई निमंत्रण ऐसा कुछ मिला आपको? कोई निमंत्रण नहीं मिला ना हमारा पन्ना तो कई भाई जाओ तो हम पंचायत रखा हाँ वो बुलाओ तो हम जावाए भी भाई। यो जो मंदिर है हमारा भाई, यो हम अपने पीछा बना रहे हैं भाई, को लेखा कर को भाई नु मंदा को सांसद ने पत्थर ला रखे इसमें भाई कोई मतलब एमपी एमएलए आ गए इसका पत्थर दर गए हैं, यो भाई हमने अपने पीछा और अपनी जगह में बना रखा है, ठीक है भाई। यो मंदिर किसी का कोई सरकारी मंदिर नहीं है भाई, यो मारा मंदिर है या साधु भी है भाई, ना किसी बच्चे में लिंदी ना दिंदी। किसी भाई का जी करो आओ भाई सब का, तो क्या डॉक्टर का भी आराम नहीं हो रहा है भाई, भगत का तो आराम हो कितना था भाई, 80% आदमी का आराम हो रहा है और भाई सारे अड़ राज्य हो गए जहाँ है तीसरा झाड़ा में बारह भाई निगाह हो जाए मेरे खुद पत्थरी थी भाई वह भी लकड़ी की। और बताओ भाई क्या बताऊँ? तो एक बात और बताएं, जैसे जो ये क्या कारण है इसके पीछे का जो मुख्य रूप से आधा गांव ऐसे साथ में खड़ा है? भाई मुख्य रूप का यो कारण है खांदा का मानन देख कर कोई राज्य नहीं समझ गया भाई, या भीड़ दिखा या भीड़ के बाहर बोरी भर रुपया ही लिया है को 10 रुपया चढ़ा दो चढ़ाओ ना तो सुखा में भी हाथ जोड़ के चले जाए। तो और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या विचार है, तो क्या नाम है जी? हाँ जी, मेरा नाम है जी आचार्य जयप्रकाश। तो जी जैसे हम देखते हैं काफी कल से ही लगातार समर्थन में साधवी जी के काफी लोग आते रहे हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं जो वे ऐसे बयानबाजी दिखाते हैं कि 15,000 रुपये ले लिए ये ले लिए, तो ये फर्जी जो चीजें दिखाते हैं इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एक सोनू बाल लिया था परसों इंटरव्यू कर रहा था, हम भी आए हुए थे, तो एक पक्ष की ग्रह हो बहुत से पत्रकार एक पक्ष की दिखा करके मोखरा गांव का खाड़ा बनाना चाहते हैं जबकि भाईचारा बिगाड़ना नीचे किस्से का भी हो। तो ये साधवी की से पर्ची दे के निहारी चावल दे के निहारी बाजाओ जिसका दर्द है वो सारा जगह हुआ सिनो दे भी सारे हिंदू क्यों जाते हैं और मुसलमान लोग मक्का मदीना क्यों यात्रा करते हैं? इच्छा होते जैसे कल साधवी जी भी बोल रही थी सिख आदमी वहाँ अमृतसर क्यों जाते कि हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे लेकिन फिर भी हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण? हाँ भगत कर जगत का भैरव है, जो भगत होगा प्रहलाद भगत से सारे उसका बाबू भी लाग गया था मारने के मरिया, तो भक्ति में शक्ति है ये सिद्ध करने पड़ते मंत्र हम भी जानते हैं चारों वेद पढ़े मैंने, मंत्र की जब शक्ति आ जाती है ना कोई किसी का आत्मा भगवान श्रद्धा आत्मा मिलती है तब देता है, मैं उसको का मानने वाला हूँ और सभी ये तो सभी किसी आर्य समाज की इन्होंने बुराई नहीं करी, किसी महात्मा की किसी धर्म की कोई बुराई नहीं करी और फिर भी इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप फ्री माँ 2 रुपये गालो तो गालो ना देना और फ्री जा रहे हैं ठीक हो के जा रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? उनके इनने सारे बंद दुकान कर दी, वो लूट की दुकान पाखंडी भी हैं
इसलिए उनका पाखंड की नीम अलगी, इसके धर्म कर्म से इसलिए वो चुल बुला रहे हैं सब जो भी हैं पंचायत में। जो पंचायत है उसमें आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ मैं आया हूँ, जाऊँगा, देखता हूँ क्या है। क्या समर्थन रखेंगे साध्वी जी के पक्ष में, क्या बोलेंगे वो तो वहाँ देखा जाएगा, सवाल का जवाब देंगे हम। बिल्कुल, चलो और लोगों से बात करते हैं, जैसे आगे की तरफ आते हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो बात करते हैं। आओ जी एक बार, क्या नाम है जी? राजमल। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे जो पंचायत हो रही है उसके बारे में? हमारा रखा नहीं है, साध्वी जी को यहीं रखोगे? और जो पंचायत में काफ़ी लोग जैसे बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से भगाएंगे साध्वी जी को, तो उनको क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? साफ झूठी बात से, झूठी बात है साफ। चलो औरों से भी बात करते हैं, जैसे पूछते हैं क्या नाम है जी? मेरा नाम दिलीप सिंह। तो जी जैसे जो साध्वी जी के पास आप इलाज कराने आए हो? हाँ मैं दाढ़ा लगवा कर आया था। कुछ फर्क पड़ा आपको? 100 का 100 फर्क है जी। तो अब एक बात सोचे आप, जैसे कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि साध्वी जी को यहाँ से हम भगाएंगे गाँव से? चलो वो गाँव की मर्जी है, मैं हम बाहर से आदमी, हमने काम के बारे में नहीं बोल सकते हम। तो एक चीज बताएं आप, देखो एक मिनट एक चीज सुने, जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ पर दबाव नहीं बनाया जाता कि आप अपना इलाज करवाने आए, लोग अपनी मर्जी से आते हैं मर्जी से जाते हैं, तो खिलाफत का क्या कारण? कारण बता दूंगा, मेरे पास मार्जिन पीला चावल नहीं बेचा हुआ, मैं अपनी खाद बनाया था, मेरा क्यों गर्भ जुड़ा था, लड़का गुजर गया था, तो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके देख रेख में, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, न्यू कहा था रिकॉर्ड रहा था, फिर रिस्क नहीं लेते, फिर मैं मेडिकल रोड तक जा लिया था, वहाँ से उल्टा आया हूँ, किसी ने बस में बताया तो मोखरा उतर ले, मोखरा में आ रहा था, एतवार 1 तारीख को लगवाया, 3 दिन लगवा, 4 में आज मैं धन्यवाद करने आया था साध्वी का, मेरे लिए तो भगवान है बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद। जैसे अब एक बात सोचे आप, अरे पाखंड के बारे में, पाखंड जिस आदमी पाखंड देखता है वे बड़े बड़े काटियाँ चलते हैं, वे अपने पाखंड देखो, मैं किसी महाराज का किसी नाम लेता, जहाँ गांव में गुंडागर्दी फैलती है जो पाखंड को रोकने वाले। तो एक बात और बताएं, जैसे गांव का जो माहौल खराब होने वाला है वे बाहर के लोग खराब कर रहे हैं? ना जी, बाहर का कोई नहीं कर रहा, बाहर का आदमी अपने दुख ना रहे वो खराब नहीं कर रहा। आप नहीं, जैसे बाहर से कुछ साधु संत आते हैं, वे साधु संत आ रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, साधु सुल्पा छुटवा दो, गंदा छुटवा दो, हीरोन चटिया छुटवा दो। तो एक बात और बताएं, आप जैसे पंचायत है, आप बाहर से आए हो, पंचायत में कोई भी जा सकता है, बाहर का भी जा सकता है? जा सकता, गांव रूल भी ऐसा पंचायत है, रूल आसपास के गांव की पंचायत। हम तो 40 गांव 40 हमने रहे, पंचायत में मोखरा का भी जा सकता है, अच्छा मैं हमने नहीं जा सकता, साधु जी के क्लियर समर्थन, क्लियर समर्थन ऐसी साधु भगवान हर गांव में हो जाए तो भला हो जाए। लेकिन अभी पाखंड बोलते हैं, जब पाखंड कंट्रोल रचने वाले जितने नेता हुए सब जितने सारे पाखंडी उनको मामले लेके बनाते हैं हम, जैसे आप कुंडू में ले धर्मात्मा करते उसको गाड़ देते हैं, और पहले था खा के जैसे उनको कोई प्रचार करते, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेता है कोई, बता दो जी, भगत सिंह का नाम लेता है, बता दो भाई पाखंड की बात। और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं साध्वी जी के पक्ष में, तो क्या नाम है भाई जी? और बात करते हैं कुछ पूछते हैं, तो काफ़ी जैसे यहाँ पर भीड़ लगातार जुटी हुई है, तो क्या नाम है जी? और बोल रहे नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग हिचक भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप संख्या में देख सकते हैं, लोग अंदर भी बाहर चारों तरफ लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं। अब अंदर का कुछ विजिट आप लोगों को दिखाते हैं, और अंदर कुछ महिलाओं से और पुरुषों से बात करते हैं, इससे आगे कुछ लोगों के रुझान लेते हैं और पूछते हैं कि वे क्या समझते हैं और पंचायत के बारे में क्या विचार है, तो यहाँ पर पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है जी? शेर सिंह है जी। तो जैसे जी पंचायत जो आज मोखरा में हो रही है और आप साध्वी जी के समर्थन में? साध्वी जी के समर्थन हूँ। तो जैसे कुछ लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, पागल हैं, पागल हैं वे। तो जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हमारा अच्छे से इलाज हो जाता है, इलाज खूब हो, बढ़िया हो, मेरे आराम हो रहा है। क्या हो गया था आपको? मेरा शुगर थी। अब बिल्कुल ठीक हो? और जमा। चलो और बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए जी, क्या नाम है? भाई मैं आज आया हूँ देखने। अच्छा वैसे कुछ कराने आए हो आप इलाज किसी? ना मैं तो देखना है, वो इसने ठाणिए कड़े है। वैसे कुछ अब जो पंचायत चल रही है वहाँ पे? हाँ पंचायत ने देखना आया था मैं तो भाई। क्या नाम है जी? अंगूरी। तो आप किसी चीज का इलाज कराने आए हो यहाँ पे? ना मेरा तो हो गया इलाज, में तुम रह किस हो? क्या हो गया था आपको? क्या मेरा इस पर सुम चीस मारन थी और दो हजार हम ठीक होगी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साध्वी जी को यहाँ से भगा देंगे और कहीं भेज देंगे, बताऊं ये गलती सुहाण को नहीं। अच्छा ये मोटे बैठे झाड़े को लाने मंदिर में बैठे से लुंगाड़े तो वो सुन तो
चलो ठीक है। हाँ। औरों से पूछते हैं, और जिस प्रकार यहाँ पर कुछ क्या नाम है जी आपका? मनना क्या नाम है जी भाई? वहाँ पे जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि साधु जी को यहाँ से भगा देंगे, तो क्या सोचते हैं आप उस बारे में? भाई जब लोग आराम हो तो सोचना के रहने में फायदा है, भगाए तो क्या फायदा होना। देखो ये किसी को जबरदस्ती बुला भी नहीं रहे हैं, खुद लोग आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं। जब ये हमारे पचाल जाए किसी हम बना बुलाया रहे हैं, हम थोड़ा बुला के लिए जगह से आया सांगी गाँव तो आया हूँ। जैसे आप समर्थन में हो पूरे? हाँ जी, हम भी झाड़ा लुवाना आए हैं आज, देखो 3 बजे बाद बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा अंदर का आप माहौल देख सकते हैं, एक बार पूरी लोगों की चारों ओर भीड़ है, हर एक जगह पर लोग भरे पड़े हैं, बाहर की तरफ आते हैं, कुछ और जगह पर बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या और लोग सोचते हैं, और मुख्य रूप से क्या वे सोचते हैं। क्या नाम है जी? श्रीमान जी मैं तो बीमार हूँ। चलो जैसे एक चीज़ बताओ, आप एक छोटा सवाल बताओ, जो साध्वी जी के खिलाफ में लोग खड़े हैं तो क्या कारण हो सकता है? भाई पता नहीं जी। आप समर्थन में हो? नहीं जी। वैसे ही आ रहे हो? वैसे ही आ रहे हो। चलो ठीक है जी, और पूछते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पर हर जगह आप भीड़ देख सकते हैं। क्या नाम है भाई? आजा कोई शर्मा नहीं। चलो जैसे आपने यहाँ का माहौल देखा, ज्यादातर लोग यहाँ पर साध्वी जी के समर्थन में, और काफी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं, जिस प्रकार यहाँ का माहौल आपने देखा, जिस प्रकार काफ़ी लोग यहाँ पर समर्थन में आपको दिखाई दे रहे हैं, और चारों तरफ आप देखें तो जगह जगह लोगों की ऐसे ही झुंड दिखाई दे रहे हैं, और बाहर भी अनेक प्रकार के झुंड दिखते हैं। तो जैसे औरों से बात करते, क्या नाम है? रत्न। जैसे आप समर्थन में आए हो साध्वी जी के? ना, मैं वैसे ही गाँव गए हूँ। वैसे जो गाँव में जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि साध्वी जी को यहाँ से भगा देंगे, तो वह चीज़ गलत है, ठीक लगती है आपको? ये क्यों भगा देंगे? आराम हो, ये आराम हो रहा है, लोग आराम आ रहे हैं, बता क्यों भगा देंगे भाई साधु? तो गलत बात है, सीधे तौर पर गलत है ये, बता इसे क्यों भगाओगे? जैसे यहाँ पर और बात करते हैं कुछ लोगों से, विचार करते हैं और पूछते हैं। क्या नाम है जी? नाम धर्मेंद्र भाई, सबर पिल्लू। तो जैसे जी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर पंचायत और साध्वी जी को यहाँ से भगा दें, तो कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब बताऊँ के है, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। भाई साहब आड़े ये किसी भाई ने बुलाने नहीं जानती, आड़ा वो किसी भाई का राम लग है, कुदा जा है, इस भाई का राम लग गया, दो बिने धोलिए दारू छोड़ा नहीं इसने, दिन रात तड़के उठ दिए कुड़ा दारू तो कराया करता यो भाई, अरे भी इसने दो बिने लिए छोटी दारू, अरे नाक मदम दे रखा, पन्ना का नाक मदम दे रखा था पूरा का इसने, आम तो भाई इसका सबूत मानना, दो बिने दारू छोड़ा नो लिए। उससे आपने दारू छोड़ी तो क्या तकनीक अपनाएगी दारू छुड़वाने में? आपने झाड़ा ला था भाई, देखो भाई क्या इसका, एक बोतल पिलाई थी मेरे दीदा, वो तो पाजा मैंने पी नहीं, पी नहीं इसने भाई, अरे ये तो इस सबूत दे पिया करता भाई, गुड़ा दारू तो कराया करता। तो जैसे जो ये गलत है बगाना, आप सीधे तौर पर ये कहना चाहिए, बताऊं तेरे बात में, किसे भाई का जो कर गाल भी देता होगा, इसने जो को बचाऊगा ना वो गाल भी देता, लू देता होगा भाई, मैं उड़ जाऊँ, ये मेरा आराम लगा भक्त नहीं वहाँ से भगा दी, अरे जो आया है जिसका आराम ना लगे वो भी गाड़ी दे, कुछ नहीं फंड है तो मेरा कह आराम नहीं लग गया, अरे लोग का आराम भी बतेरा लग रहा है। एक बात तो ने सेध के किसी ने करी चीज की, इस चीज की किसी ने सेध नहीं होनी चाहिए किसी का, मेरा जी करा तो मेरी इच्छुक हो तो मैं आऊँ, ना इच्छुक हो तो मैं टाल कर दू। भाई जी मैं ये कहना चाहूँ कि एक क्लास में कितने बालक पढ़े हैं, तो उस थानेदार भी उन्हें मतलब बनाया, प्रधानमंत्री भी उन्हें मतलब, रद्दी भी उन्हें मतलब है, इसका मतलब स्कूल ना दफा कर दे, दूर कर दे भाई, स्कूल बेकार है ये हो गया, आके जो जिसका डॉक्टर का इलाज करवाओ उसमें फर्क नहीं लगता, तो कहते यो डॉक्टर बेकार है या नकली MBBS की डिग्री ले रहा है वगैरह ले रहा, उसने भी भगा दे है, उनको पर विश्वास यू कर लेवा है, जो विश्वास नहीं करती। तो जो पंचायत हो रही है आप वहाँ पे जाएंगे? भाई जाना तो चाहूँ, अगर कोई शुक्राणुनाथ वो शुक्रायनाथ जी आ चुके हैं अभी 10-15 साल, क्योंकि मैं सिर्फ न्यू आया हूँ, अनु का है कि हम बड़े बड़े काम करने पैदा हुए हैं। जैसे आप क्या विचार रखेंगे साध्वी जी के समर्थन में वहाँ पर अगर पंचायत में जाते हैं तो? मैं तो भाई ना तो साध्वी के पक्ष में रखूँ और ना उसके पक्ष में रखूं, जो हाँ सुन तो जो गलत से गलत मेरी बात सुनो, जैसे वहाँ पे अगर एक मिनट वहाँ पे पंचायत में अगर बात चलती है कि साध्वी जी को गांव से भगाया जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे इस बात के बारे में? तो सिर्फ मैं यही बोलूंगा, कर्क खारी है और इज्जत अनुसार है।
करी किसी का फर्क लग गया तो आओ और ना लागे तो ना आओ, चिट्ठी घेर का नहीं बुलांदा। ठीक, अब हमारी कुछ माताएं बहने हैं, इनसे बात करते हैं और हम पूछते हैं कि क्या ये बताना चाहेंगी। नमस्कार माता जी, क्या नाम है? अनीता। तो जैसे साध्वी जी के जो खिलाफ पंचायत हो रही है और बोल रहे हैं कि गांव से इनको भगा देंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे खम खाई बोकरी है, काम ना पाते या किसी का लेन देना देन दे बेचारी, कोई आराम लागे तो आवा है ना आराम लागे तो बताओ के किसी ने बुलावा बेचे। आप गांव से ही हो? गांव से। और आपका आपने भी इलाज कराया? हाँ, पथरी का। बिल्कुल फिट हो गए आप? बिल्कुल फिट हो गए। और जैसे और हमारी कुछ माताएं बहने हैं, इनसे बात करें, क्या नाम है माता जी? उर्मिला। तो जैसे साध्वी जी के बारे में आप क्या सोचती हैं कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पंचायत करके इनको गांव से निकाल देंगे? ना, ये गलत बोल रहे हैं। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी से कुछ मांगती नहीं है, पैसे नहीं लेती किसी से, तो गलत है ऐसे करना? गलत सही गया, कोई नहीं ले पैसा मांग दी। तो पंचायत जो रही आप जाए बेटा भाड़ा भी मैं देश को अपना रोग कटवा लो। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे तो है भाई साहब कह रहे हैं ये गांव तक है, और कौन सा गांव में गंडा जमाओगे या तो भारतीय निकलवाओ है यार, निकल लगी तो और कौन सा हरियाणा नाम है, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में, हर कितने के तो प्रोपगंडा तो जमा होगी, फिर इसने कह रहा गांव से क्यों, इसने तो देश से निकलना चाहिए भाई, फिर तो के तो देश से निकाल लो और ना गांव तो क्यों निकालो इसने। तो एक मुख्य बात बताएं कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि ऐसे लोग पीछे पड़े हैं काफी लोग, क्या कारण बता सकते हैं भाई इस चीज का? तो कर किसी ने किसी चीज किसी ने किसी चीज कुछ होगी दवेश होगी कुछ इन। और जैसे समर्थन में भी हम देख रहे हैं कि काफी लोग सैकड़ों लोग आए हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, आते जाते रह रहे हैं, आते जाते कुछ इसका फेवर में बहुत ज्यादा, इसका फेवर में भी हैं कुछ, उसका फेवर में बहुत ज्यादा, क्या करें इस पन्ना वाले कर मोखरा न्यू थोड़ी है, मोखरा दा गांव भी इसका समर्थन में खड़ा है, सारा पन्ना खेड़ी पन्ना इसका समर्थन में खड़ा है, बाहर से भी काफी लोग बाहर से भी काफी लोग आ रहे हैं, तो देख लो आप कह रहे हैं भीड़ लग रही है यहाँ पर। चलो ठीक है, जिस प्रकार आपने मोखरा में यहाँ पर लोगों का माहौल देखा और जाना किस प्रकार लोग काफ़ी लोग इनके समर्थन में है, खिलाफत वाला यहाँ पर हमें एक आदमी भी नहीं दिखा, तो इसी प्रकार आगे भी और वीडियो हम दिखाते रहेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने देखा मोखरा पंचायत में फैसला लिया गया, और इससे पहले क्लब में आपने साध्वी देवा ठाकुर को देखा, उन्होंने मीडिया के सामने जो अपनी बातें रखी वो आप लोगों के समक्ष पेश कर दी गई। जल्द ही यहाँ पर दोबारा से पंचायत होगी, आपस में रजामंदी से जो वहाँ पर साध्वी बैठते हैं उसको ऐसे समझाया जाएगा कि आप यहाँ पर ऐसा काम ना करें। इसी प्रकार आप देख रहे हैं लगातार यहाँ से लोगों गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं। इसी प्रकार आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।